हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलम क्रिएटिव आर्टवर्क। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे और सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो मुझे रिक्वेस्ट किया था रीचा जी ने कि बास्केट प्लांटर कैसे बनाते हैं, तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैंने यहाँ पर बनाया है रोप बास्केट। तो ये मैंने बहुत ही लो बजट में बनाया है और उसमें मैंने वेस्ट मटेरियल का भी यूज किया है। तो फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कि मैंने उसको कैसे बनाया। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में हिट बेल आइकन है उसको हिट करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो शेयर करूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इस टाइप के जो DIY रहते हैं वो भी काफी लो बजट में, वो मैं सभी यहाँ पर मेरे चैनल पे पहले से अवेलेबल है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हो। तो चलो अभी वीडियो देखते हैं कि कैसे मैंने बनाया है रोप बास्केट। और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये कंटेनर। अगर आपके पास में कोई भी अनयूज्ड बकेट पड़ा है तो आप वो यूज कर सकते हो, या तो फिर जो वॉल पेंट के डब्बे होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मुझको कितना साइज चाहिए अपने प्लांटर बनाने के लिए, उतना साइज में कट करने वाली हूँ। और अगर इसकी जगह पर आप दूसरा कुछ यूज कर सकते हो तो वो है जो थैली रहती है, जो जिसमें गेहूं का आटा आता है, वो थैली आप यूज कर सकते हो। या तो फिर जो सर्फ एक्सेल या कोई टाइड वगैरह की जो थैली रहती है, जो थोड़ी थीक होती है, वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने उसको कट, अभी मैंने साइज के अकॉर्डिंग मैं उसको अभी कट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये कटर। तो यहाँ पे मुझे ये जो पार्ट में कट कर रही हूँ, तो मुझे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी यूज में लेना है। तो मैं आगे आपके साथ में श्योर शेयर करूंगी कि उसका मैं क्या यूज करूंगी। तो इसी के लिए मैंने केयरफुली उसको कट किया है ताकि वो पार्ट भी सेफ रहे। तो इस टाइप से मेरे दो कंटेनर कट हो गए हैं और अभी हम इस पे अप्लाई करेंगे ये थ्रेड। तो यहाँ पे मैं जो थ्रेड यूज कर रही हूँ वो मैक्रेम का है। अगर आप चाहते हो परचेज करना तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आपके पास ये थ्रेड अवेलेबल नहीं है तो आप इसको वेस्ट मटेरियल से भी बना सकते हो। आपके पास जो भी वेस्ट क्लोथ पड़े रहते हैं उससे भी आप बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं उसका भी ट्यूटोरियल आपके साथ में शेयर करूं, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं पहले हॉट ग्लू गन से इस तरीके से स्टिक किया और अभी मैं यूज कर रही हूँ फेविकॉल। तो आप दोनों के आप इसमें कोई भी यूज कर सकते हो। आप चाहे तो हॉट ग्लू गन भी यूज कर सकते हो तो, और आप चाहो तो फेविकॉल भी यूज कर सकते हो, और फेविकॉल से भी वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो अभी इसी तरीके से हमको रैप करते हुए इसको पूरा रैप कर लेना है। और अभी हमको यहाँ पे फिनिशिंग देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये हमको दिखने में आसान लगता है बट जब भी हम करने बैठते हैं ना तभी पता चलता है कि उसका फिनिशिंग अगर नहीं आता है तो उसमें बीच बीच में जगह रह जाती है। तो आपका बस वही चीज का आपको ध्यान में रखना है और इसी तरीके से आपको ये बनाना है कि कोई भी गैप बीच में रहनी नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हो कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। बस उसी चीज का आप ध्यान में रखिए तो आपका बकेट बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। अगर बीच में गैप दिखेगी तो वो आपका अच्छा नहीं दिखेगा, तो आप ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैं पूरा जो कंटेनर है उसको ग्लू से ही अप्लाई करके बनाया है। और अभी जो ऊपर का हिस्सा है उसको मैंने पहले ऐसे ही छोड़ दिया है,
और अभी हम प्लांटर के अंदर ये कपड़ा लगाएंगे। तो ये जो क्लोथ है वो बिल्कुल वेस्ट है, तो इतना छोटा सा टुकड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उसको हम अंदर की साइड लगाने वाले हैं। तो जितना भी आपका बकेट का साइज है उसके अकॉर्डिंग आपको ये कपड़ा क्लोथ को कट कर लेना है और फिर उसको स्टिक करना है। आप चाहो तो यहाँ पे हॉट ग्लू गन का भी यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो उसको ग्लू से भी, नॉर्मल ग्लू से भी वो स्टिक हो जाता है, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कुछ इस तरीके से वो दिख रहा है और अभी हम उसको स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फेविकॉल से ही उसको स्टिक कर रही हूँ। और अभी ये जो कपड़ा है उसके ऊपर हम इस तरीके से ये थ्रेड को रैप करेंगे। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से मैंने कपड़े के ऊपर इसको रैप किया है। इससे क्या होता है कि जो आपका कंटेनर है वो बहुत खूबसूरत दिखता है। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से उसका फिनिशिंग दिख रहा है आपको। अगर आप चाहो तो इसको इधर तक भी छोड़ सकते हो, थोड़ा सा ऊपर कपड़ा रहेगा और नीचे रोप रहेगी, ऐसे भी आप उसको छोड़ सकते हो, बट मैं यहाँ पे कुछ और करने वाली हूँ। और अभी जो उसका मैं फिनिशिंग आपको बोल रही थी, इस टाइप से आप ये थ्रेड को अंदर की ओर डाल दीजिएगा और उसपे थोड़ा सा ग्लू अप्लाई कर दो, तो वो बहुत ही स्टिक हो जाएगा और वो निकलेगा भी नहीं और बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग देगा। तो आप देख रहे हो कि फिनिशिंग कैसा हुआ है। और अभी बास्केट के लिए हमने इस टाइप के हैंडल्स बनाए हैं। तो आप देख रहे हो कि कैसे मैंने हैंडल्स बनाया है। तो इस टाइप का हैंडल बनाने के लिए यहाँ पे मैं वही थ्रेड का यूज करूंगी। तो जितना अपने को हैंडल बनाना है उसका साइज लेके इस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये बहुत ही आसान होता है कंटेनर बनाना। ये जो बास्केट प्लांटर है वो बहुत ही इजी है, बट इसमें एक ही बात कर रहता है ध्यान में रखना है आपको कि उसका फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए। अगर आपका प्लांटर का फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, बीच में गैप रहेगी तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसके लिए ही मैं आपको बोल रही हूँ कि उसका फिनिशिंग ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। और अगर हम इस टाइप के बकेट प्लांटर मार्केट से ऑर्डर करते हैं तो वो काफी कॉस्टली होते हैं। आप खुद जो ऑनलाइन जो वेबसाइट होती है वहां जाके आप चेक कर सकते हो कि कितने के प्लांटर होते हैं। और ये हमारा बहुत ही बजट फ्रेंडली प्लांटर बनके रेडी होगा। तो ये हमने इस तरीके से अंदर की ओर में ये पूरे थ्रेड को अंदर डाल दूंगी तो उसका फिनिशिंग अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको कोई थ्रेड बाहर निकला हुआ नहीं दिखेगा। और ये हमारे प्लांटर के हैंडल भी तैयार हो गए हैं। उसको मैंने हॉट ग्लू गन से स्टिक किया है। तो आप देख रहे हो कि ये हमारा ब्यूटीफुल प्लांटर बनके रेडी हो गया है। आप चाहो तो उसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हो और आप चाहो तो इसके ऊपर उसको डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये लेस लिया है, तो ये भी मेरे पास पड़ा हुआ लेस है, तो ये मैं उसको लगा रही हूँ। आपके पास यहाँ पे जो भी मटेरियल अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हो, या चाहो तो आप यहाँ पे पॉम्पॉम यूज कर सकते हो और आप चाहो तो टैसल्स भी लगा सकते हो। और ये हमारा ब्यूटीफुल बास्केट प्लांटर बनके रेडी हो गया है। आई होप कि आपको ये प्लांटर पसंद आया होगा।
और अगर फ्रेंड्स पसंद आया होगा तो लाइक बटन जरूर हिट करिएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर हिट करिएगा। लाइक बटन हिट करने में आपको कोई कॉस्ट लगने वाला नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक बटन हम इसके लिए बोलते हैं कि हमको एक मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स इसके लिए ही हम आपको बोलते हैं कि लाइक बटन जरूर हिट करिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने इस टाइप के DIY मेरे चैनल पर शेयर किए हुए हैं और बहुत ही कॉस्टली लो कॉस्ट में है और बजट फ्रेंडली भी है। और मैंने काफी सारी चीजें ऐसी बनाई है कि जो वेस्ट मटेरियल से मैंने बनाई है। आई होप कि आपको वो वीडियो भी बहुत पसंद आएंगे। तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो वीडियो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और फ्रेंड्स हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बाजू में हिट बेल करेंगे ना फ्रेंड्स, तो ही आपको मेरे अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड हिट बेल बटन प्लीज तीनों हिट कर देना। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।